नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड और अब क्या साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के सामने हर कोई फेल हो गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए हर टीम को रौंद रही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल से पहले अपनी आखिरी बड़ी चुनौती को भी बेहद आसानी से पार कर लिया। कोलकाता में रविवार 5 नवंबर को हुए मुकाबले में विराट कोहली के ऐतिहासिक 49वें शतक के बाद रविंद्र जडेजा की घातक स्पिन के दम पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल में अपना पहला स्थान पक्का कर लिया। टीम इंडिया के अलावा इस वर्ल्ड कप में अभी तक सिर्फ साउथ अफ्रीका ही सबसे सफल टीम के रूप में आगे बढ़ रही थी और चुनौती बनती दिख रही थी। ऐसे में इस मैच पर हर किसी की नजर लगी थी, साथ ही विराट कोहली का जन्मदिन भी था तो उनके लिए, उनके फैंस के लिए और टीम इंडिया के लिए खास था। पहले कोहली ने एक ऐतिहासिक शतक के साथ इसे और खास बना दिया और फिर रविंद्र जडेजा ने वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए साउथ अफ्रीका का भी वही हाल किया जो टीम इंडिया के प्रेशर्स ने बीते मैचों में बाकी टीमों का किया था। ईडन गार्डन में हमेशा कमाल करने वाले रोहित शर्मा ने भी एक बार फिर कमाल किया। पहले तो टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग चुनी और फिर खुद मुश्किल दिख रहे पिच पर विस्फोटक शुरुआत टीम को दिलाई। सिर्फ 5 ओवरों में ही टीम ने 61 रन जड़ दिए, जिसमें से 40 रन रोहित के ही थे। कगिसो रबाट ने 6 ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर यह हमला रोका। हालांकि शुभम गिल और विराट कोहली ने इसके बाद भी कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। 11वें ओवर में स्पिन केशव महाराज की हैरतअंगेज गेंद पर गिल बोल्ड हो गए 23 रन बनाकर। भारत ने 10वें ओवर में ही 90 रन बना लिए थे और इस शुरुआत का असर यह हुआ कि जब स्पिनर आए तो रनों पर लगाम लगाने के बावजूद टीम इंडिया के स्कोर पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। श्रेयस अय्यर ने कोहली के साथ मिलकर 134 रनों की बेहतरीन साझेदारी की, जो शुरू में काफी धीमी थी लेकिन बाद में अय्यर ने इसकी रफ्तार बढ़ाई। हालांकि वो फिर शतक तक नहीं पहुंच सके और 77 के स्कोर पर आउट हो गए। केएल राहुल भी ज्यादा देर नहीं टिक सके, जबकि सूर्य कुमार यादव 22 रन बनाकर तेजी से कुछ रन जोड़कर टीम इंडिया को 300 रनों के करीब पहुंचाया। हालांकि हर किसी को इंतजार था विराट कोहली का, जिन्होंने 101 रन के नाबाद पारी को खेला और एक शतक भी जड़ा। यूं कहे तो 49वां शतक जड़ा और धीमी पड़ रही पिच पर कोहली ने काफी कोशिश की लेकिन टाइमिंग से नहीं आई। इसके बावजूद वो जमे रहे और 49वीं ओवर में उन्होंने 119 गेंदों में 49वां शतक जमा कर सचिन तेंदुलकर की बराबरी की। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा था। दूसरी ओर से जडेजा ने सिर्फ 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 29 रन बनाकर टीम को 326 के बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था और अब गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजों का जीना मुश्किल किया हुआ था। ये सिलसिला ईडन गार्डन में भी चलता रहा। वर्ल्ड कप में 4 शतक लगा चुके क्विंटन डिकॉक सबसे पहले शिकार बने, जिन्हें दूसरे ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद तो सिर्फ जडेजा, जिन्होंने 33 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसका कहर देखने को मिला। इसकी शुरुआत 9वें ओवर में साउथ अफ्रीका कप्तान टेम्बा बावुमा को बोल्ड करने के साथ हुई। फिर जल्द ही जडेजा ने हेनरिक क्लासेन को LBW कर दिया। वो इस अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप में स्पिन के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। जडेजा ने उन्हें स्विच शॉट के फेर में फंसाकर पवेलियन लौटा दिया था। इस बीच मोहम्मद शमी ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए, फिर अपनी सीमा में दहला दिया। अपने पहले ही ओवर में शमी ने एडन मार्क्रम को पवेलियन लौटाया और फिर 2 ओवर बाद उसे वो भी चलता किया। कुछ देर में जडेजा ने डेविड मिलर को भी बोल्ड किया, जिसने अंत का ऐलान कर दिया था। केशव महाराजा और कगिसो रबाडा को आउट कर जडेजा ने पहली बार वर्ल्ड कप में 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने लुंगा एंड गिडी को बोल्ड कर साउथ अफ्रीका पारी को 83 रन पर ही समेट दिया। बहरहाल टीम इंडिया की जीत से पूरे फैंस में खुशी की लहर है। आपको ये मैच देखकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहरहाल क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं
हमारा फेसबुक पेज इस वक्त ही लाइक कर लें, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।